बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया, जिससे प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने कहा है कि आंतरिक सरकार का गठन किया जा रहा है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण था और इसी आरक्षण का लगातार बांग्लादेश में विरोध हो रहा था। लगातार हो रही थी मौतें और इसी बीच में शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, लेकिन हिंसा तब भी नहीं रुकी। देश में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन के साथ ढाका छोड़कर जा चुकी हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना बंगाल के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्ला मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। शेख हसीना ने देश छोड़ दिया और इसी खबर के साथ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा तक कर लिया। अभी तक की बात करें तो इस आंदोलन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा को रोकने के लिए देश में मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई है, कर्फ्यू लगा हुआ है और सब लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। जगह जगह आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के चलते भारत अमेरिका जैसे कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अभी आरक्षण की आग शुरू कैसे हुई ये भी आपको बता दें। आरक्षण की आग शुरू होती है 1971 में, जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया। 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। महिला और पिछड़े वर्गों के लिए 10-10% था, 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए था और 1% दिव्यांग कोटा था। मुक्ति संग्राम स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पिछले महीने शेख हसीना सरकार के फैसले को रद्द कर दिया और कोटा सिस्टम को बरकरार रखने का फैसला भी किया। अदालत के इस फैसले के बाद पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो कि हिंसक रूप ले चुके थे। कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के फैसले को भी गैर कानूनी बताया। हाईकोर्ट ने अपने ताजा आदेश में ये भी कहा कि अब केवल 5% नौकरियां ही स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित होंगी, 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों के लिए होंगी। वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले रहेंगे, यानी 93% भर्तियां अनारक्षित कोटे से होंगी। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को आरक्षित नौकरियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो चाहते हैं कि योग्यता के आधार पर काम की व्यवस्था लागू हो। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की थी। मामले ने तूल पकड़ा और ज्यादा पकड़ा जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहा। रजाकार बांग्लादेश में उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करने वाले पाकिस्तानी सेना का साथ देने का जिन लोगों पर आरोप लगता है। ताजा विरोध जून महीने के आखिर में शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त हिंसक नहीं था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। 15 जुलाई को ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों की पुलिस के साथ और सत्तारूढ़ आवामी लीग समर्थित छात्र संगठन की झड़प हुई और इसमें कम से कम 100 लोग घायल हुए। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले जहांगीरनगर विश्वविद्यालय के महफूजुर हसन ने कहा है कि उनकी मांगे बहुत सारी हैं, जिन्हें कोई भी सरकार हो उसे पूरा करना होगा, तभी वो अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे। उनकी मांगों में शामिल है कि एक तो प्रधानमंत्री माफी मांगे, जो लोग दोषी हैं उन पर मुकदमा चलाया जाए, उन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को हटाया जाए जहां प्रदर्शनकारी छात्रों को हिंसा का सामना करना पड़ा है, उन राजनेताओं को भी हटाया जाए जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां की है, आरक्षण संशोधन विधेयक संसद में पारित किया जाए, यानी कोर्ट के फैसले से वो अभी तक संतुष्ट नहीं है। तो अब अंतरिम सरकार जो बन रही है वो कैसे इन प्रदर्शनकारियों को हैंडल करेगी वो देखना होगा। इस खबर में इतना ही। जो भी आपकी इस पर राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।